हेलो। एटीएम एसी बैंक दिख रहा है। आ जा, तू भी आ जा। अच्छा गांव में दो एसी है लेकिन एक का भी काम नहीं है। तो चले, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है। हाँ ठंडा तो लेकिन हो रहा है, लेकिन जो भी हो एसी तो नहीं चल रहा है ना, फिर भी ठंडा है। पता नहीं क्या है, एसी चल रहा होगा। डाल दिया मैंने। तो कितना निकालो? प्लीज रिमूव योर कार्ड। व्हाई? प्लीज रिमूव एंड रीइंस्टॉल योर कार्ड। कार्ड इज नॉट प्रोसेस। क्या हो रहा है भाई? प्रोसेस ये नहीं होने से तो हम घर नहीं लौट पाएंगे, ये नहीं चलने से। अरे नहीं हो रहा है यार, यहाँ पे क्या हो गया? अगर ये कार्ड यहाँ पे नहीं चले से हम लोग कल कैसे घर जाएंगे? सब कैश पैसा खत्म है, सब एटीएम से एटीएम में है अंदर है बैंक पे। प्लीज रिमूव एंड रीसेट योर कार्ड। कार्ड इज नॉट अरे ये देखो, प्लीज रिमूव कार्ड, प्लीज रिमूव कार्ड। कार्ड नॉट योर ऑर्डर। क्या यार, इसी टाइम पे ट्राई करके देखते हैं। खराब हुआ है सर? पता नहीं यार, खराब भी हो सकता है। डर लगने लगा मुझे, नहीं होगा क्या? खराब भी हो सकता है। मेरा भाने तो मैं आया हूँ यहाँ पे, इसी टाइम पे ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे होता है कि इंटरनेट ट्राई करके उसके बाद में नहीं करूँगा। डर लगने लगा, नहीं होगा जैसे। क्या होगा वहाँ पे? क्यों नहीं होगा? खराब भी हो सकता है। देखता हूँ है। मैंने दो एटीएम पे ट्राई किया, मतलब दोनों पे नहीं हुआ यार। प्लीज रिमूव योर कार्ड बोल रहा है, डर लगने लगा। तो मैंने एटीएम पे जो नंबर होता है टोल फ्री नंबर से मैंने कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि कुछ अलग एटीएम पे ट्राई करके देखे, आपका कार्ड कुछ भी नहीं हुआ है बोला है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मैं अभी एसबीआई पे आ चुका हूँ। यहाँ दे दे यार। फाइनली एसबीआई में हो चुका है, बच गया।
2000 रुपये भाई बच गया रे मेरा, तो मार्केट बंद भी होने वाला है, वो नहीं जा रहा है, बहुत देर हो गया, जल्दी आ जा यार, वो इधर आता है मुझे उधर दो मिनट उस क्या है ऐसा आ गया कुछ जिंदगी में कैसे इसके ट्राई नहीं किया था, अच्छा है क्या है मतलब अच्छा लग रहा है कुछ यार, बहुत ही टमटम था यहाँ पे, बहुत ही गाड़ी वगैरह था, हम लोग जा सकते थे लेकिन मुझे इसी पर ही जाना था, बारिश भी दे रहा है थोड़ा थोड़ा बिक रहा है, लेकिन अंकल जी देखो यार इतना मेहनत करते हैं, आप ही का टाइम में भी अंकल इतना मेहनत कर रहे हैं, जो भी हो एटीएम से पैसा निकल चुका है बस वही मैंने सोचा था आज मतलब क्या होगा, एटीएम से पैसा भी नहीं निकलेगा ऐसा लग रहा था, मैं गया यहाँ सिलीगुड़ी में फंस गया ऐसा लग रहा था, क्योंकि हम लोग घर भी तो जाना है, अगर मेरा तो जितना केस था मेरा सब खत्म हो गया, अब बस एटीएम पे जितना पैसा है वही, ओ बारिश दे रहा है यार पूरा भीग जाएगा यार, रिक्शा में मतलब ट्राई कर दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा बारिश से भीग रहा है बस वही प्रॉब्लम, हाँ पैर पे इतना मेहनत यार, हांगकांग मार्केट पहुंचने वाले रे गाइस, बहुत ही एक्साइटेड हो रहा है, सुना है बचपन से सुनते आ रहा है बहुत बड़ा है, बहुत सस्ते भी मिलता है, 2000 क्या अभी यार 2000 तो निकाल ही लिया, 2000 से कितना भी शॉपिंग कर सकते हैं हम लोग अगर सस्ता मिलने से, आगे में नाम है वाव मतलब खाना है वाव, उधर वाव मतलब नाम था वाओ तो खाना वाओ, वाओ देखो यार ये है हांगकांग मार्केट, यहाँ पे कपड़ा नहीं मतलब एवरीथिंग मिलेगा आप लोगों को, एवरीथिंग मतलब जो भी लेना है आपको सब मिलेगा, बस लड़की नहीं मिलेगा बस लड़की खरीदने को नहीं मिलेगा, सब मिलेगा यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत बाकी सब कुछ मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा बस लड़की नहीं मिलेगी, वो आपको खुद करना है, पर खुद मिलता नहीं दुकान पे, तो रिक्शा पे हम लोग का हुआ था कितना रुपीज 30 रुपीज ना, 40 रुपीज मैंने 40 रुपीज दे दिया, मतलब अंकल का जो इतना मेहनत कर रहे कष्ट कर रहे टोमटम पे आने से कितना है 40 रुपये वही दे दिया, क्या है 10 रुपया तो अंकल जी भी इतना खुश हुए मुझे आशीर्वाद भी दिया, बस मैंने वीडियो कर नहीं पाया क्योंकि मेरा मोबाइल के पीछे मैंने छुट्टा पैसा रहा था, वाह देखो यहाँ से पूरा स्टार्ट एवरीथिंग, मोबाइल भी खरीदने को नहीं मिलेगा, गाड़ी बात सब, मुझे एक स्कॉन लेना है, हाँ स्कॉन लूँगा मैं, वाह जूता देखो क्या मस्त है, ये देखो भैया क्या नहीं मिलेगा, मतलब मैंने बोला ना सब कुछ मिलेगा बस लड़की खरीदने को नहीं मिलेगा, सुंदर सुंदर बढ़िया, ये भाई मैं कहाँ आ गया है, ये मतलब कपड़ों के मतलब मार्केट की दुनिया में आ गया जैसा लग रहा है, मतलब चारों ओर मतलब कुआरा ही कुआरा बोलता है ना, चारों ओर कपड़े कपड़ा चीजें ही चीजें, मतलब सोना भी मिलता है, सोना इतना सुंदर सुंदर यहाँ पे देखो यार मस्त है, ये ब्रांडेड है क्या, ब्रांडेड तो नहीं कॉपी है, कॉपी है, किसके लिए चाहिए किसके लिए, नहीं आप वैसे चाहिए दोनों के लिए चाहिए, हाँ क्या मतलब किसको दे रहा है दूसरे आदमी को, बुल्स का टी शर्ट है यहाँ इधर देखेगा देखो ना दे रहा था कलर मिलेगा पीला लाल हरा
देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, लाइव पूरे चैनल में जा रहा है, लाइव 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 चैनल में जा रहा है, देख बुल्स को लेंगे, बुल्स के हेड था, ये बुल्स के हेड थे, गर्म दिन आओ तो ऐसे लेकर आने रहे, टीशर्ट लेकर आओ, मतलब इतना दिखा रहा है, कौन सा लेकर आओ, कॉन्फिस कर दिया मुझे, वाव देखो यार इतना सुंदर सुंदर टीशर्ट, व्हाइट में आप लोग जरूर विजिट करना है यहाँ पे, जरूर व्हाइट में ब्लैक में जो चलेगा देखने से अच्छा वाला देख के ले ले भाई, डबल एक्सेल का है ना, हाँ डबल एक्सेल, हाँ डबल एक्सेल है, डबल एक्सेल, ये बुल्स का देखेगा, गर्म दिन आ रहा है ना, हाँ साथी ये अपनी यो बुल्स को लिन सक्छस्, कुन नाम ल है 500, मतलब मैंने ज़्यादा दे दिया, सस्ता दे दिया इसके पता नहीं, लेकिन एक्चुअली हम लोग का वहाँ का हिसाब से बहुत सस्ता है, लेकिन बहुत ही अच्छा कपड़ा है, बहुत ही अच्छा है, मतलब एक बुल्स का ले लिया, एक टी शर्ट ले लिया, और बहुत अच्छा है, मतलब बोला है ना ऐसे हम लोग का टाउन में इसका एक का ही पड़ेगा 400 रुपया, तो दोनों मिला के 900 रुपये ऐसा होना था, लेकिन ठीक ही दाम दिया होगा, मैंने पता नहीं अभी क्या दिया है, आज टाइम है ना हम लोग यहाँ इतना नहीं जानते, गाना बजा रहा है यहाँ पे, थैंक यू ये देखो यार कैसा टाइप है अंकल, इससे क्या कहते हैं
प्राउन फ्राई झिंगे माछा हो क्या नेपाली में? झिंगे माछा हाँ नेपाली में झिंगे माछा बोलते हैं। बहुत टेस्टी है प्राउन फ्राई। टेस्टी है क्या? बढ़िया। तो मैं भी खा लेता हूँ। और एक बना दीजिए मेरे लिए। हमने ने अभी खाया था, उसका नाम क्या था अंकल? भूल गया मैं। चाट पकोड़ा। चाट पकोड़ा अच्छा था, मतलब सोचा नहीं था इतना अच्छा होगा। इसको क्या बोलते हैं? बहुत मस्त है। इसका नाम क्या है? पकोड़ा। ये हाल से ले रहा हूँ तो इसे ट्राई करके देखते हैं। बहुत मस्ती है। आगे देखता हूँ कैसा है। कैसा तो खा ले। तो बढ़िया है ना भाई? मतलब ये जो हम लोग नेपाली में झिंगे माछा बोलता है, कौन बोला है? क्या बोला है? प्रॉन पकोड़ा। तो फ्रेंड्स, फाइनली में हम लोग रूम पे आ चुके हैं। आज बहुत ही मार्केट मतलब शॉपिंग कर लिया, उसके बाद में खाना खा लिया। यहाँ का जो क्या नाम था भूल जाता हूँ, प्रॉन पकोड़ा था एक, और चटनी वटनी डाल के सब मिक्स करके खाया था। बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी था यार। तो वो क्या प्रॉन क्या था? वो प्रॉन पकौड़ा। हाँ प्रॉन पकौड़ा, वो भी बहुत बढ़िया था यार। मतलब प्रॉन का मतलब वो क्या, हम लोग नेपाली में झिंगे माछा बोलता है ना, छोटा छोटा माछा। बड़ा वाला भी था, देख के मतलब कैसे लगे, इसलिए हमने टेस्ट नहीं किया, लेकिन जो भी अच्छा था। तो मैंने क्या क्या शॉपिंग किया अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, स्पॉन नहीं था ना मेरा, तो मैंने स्पॉन ले लिया। यहाँ पे बहुत ही सुंदर है यार, अच्छा लगा है मुझे व्हाइट कलर में। तो यहाँ पे एक टी शर्ट यहाँ पे देखो, सॉक्स है यहाँ पे, बुल्स का ये बहुत चल रहा है, गर्म सीजन आ रहा है ना, ये ले लिया। उसके बाद में और एक यहाँ पे टी शर्ट है, हाँ दोनों मिल के मतलब इतना सब ले लिया। बहुत ही अच्छा है। किसका है ये? कैप्टन लिवाई। हाँ कैप्टन लिवाई का है। बहुत ही अच्छा है। इतना कुछ हो गया कितना में? 1000 में। हाँ 1000 तो हुआ है ना बस। मतलब वो खाने पीने को लेकर, खाने पीने को लेकर नहीं, बस कपड़े को 1000 में इतना कुछ मिला है। आप सोचिए एक बार। नहीं, खाने पीने को लेकर 1000 हुआ है शायद। नहीं मेरे पास छुट्टा भी था ना, छुट्टा इसलिए। मतलब ये देखिए, एक टी शर्ट स्पॉन, एक टी शर्ट ये मतलब ओनली 1000 में। और आप लोग अगर बार्गेनिंग कर सकते हैं तो और अच्छा है। मतलब हम लोग ने इतना बार्गेनिंग नहीं मतलब किया था, लेकिन हम लोग सके नहीं, हम लोग से नहीं होगा। तो आप लोग अगर बार्गेनिंग अच्छे से कर लेते तो बहुत ही सस्ता भी मिलेगा। देखा हांगकॉन्ग मार्केट में बोलते हैं ना, वो सही है मतलब। तो आप लोग भी विजिट करना। तो बस बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन न्यू ब्लॉग पे। जल्दी मिलते हैं। हम लोग कल यहाँ से निकलने वाले अपना आसाम पे। बहुत दिनों से यहाँ पे था ना, तो कल हम लोग निकलने वाले हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना।